कोरोना संकट से जूझ रहे इंदौर में एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स पर पथराव हुआ है। इस बार ये हंगामा हुआ है रावजी बाजार इलाके में। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। ये थाना रावजी बाजार क्षेत्र में पिछले शुक्रवार को यूसुफ नामक व्यक्ति, जो प्रकाश के बगीचे का रहने वाला है, इसके द्वारा कब्रिस्तान पर तकरीबन 50 लोगों को इकट्ठा किया गया था। इस संबंध में इसके विरुद्ध कर्फ्यू का उल्लंघन करने के संबंध में FIR पंजीबद्ध की गई थी। आज इसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, तो जब इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तो कुछ जो है ना वो इसके समर्थक थाने पर इसके संबंध में आ गए थे, जिन्हें वापस जो है ना समझाइश देकर भेजा गया और इस संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सुरक्षा के तौर पर तो लगातार जो है वो पॉइंट लगे हुए हैं, और चूंकि प्रकाश का बगीचा एक कंटेनमेंट एरिया है तो वहाँ पहले से ही बल लगा हुआ है। दरअसल रावजी बाजार कंटेनमेंट इलाके में आता है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके के रहने वाले शख्स ने शुक्रवार को कब्रिस्तान में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी को लेकर लोग आज भड़क गए और थाने में जाकर आरोपी शख्स को छुड़ाने की मांग करने लगे, लेकिन जब पुलिस ने लोगों को समझाया तो लोग भड़क गए और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले इंदौर में सामने आए हैं। इसके बावजूद यहां कोरोना वॉरियर्स पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे पहले टाट पट्टी, बाघल और चंदन नगर में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।